मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एरे। तो यारों, हमने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर एरे की बोर्ड पर लिखी हुई है। एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मतलब एरे एक कलेक्शन होता है जिसमें सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स छुपे होते हैं। तो दोस्तों, एरे क्या होता है ये समझने से पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि एरे की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमको 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है, तो ज़रा बताओ मेरे यारों, कि इन 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे? 3 वेरिएबल्स लोगे इंटीजर टाइप के? अगर मार्क्स इंटीजर में है तो आप 3 वेरिएबल्स लोगे इंटीजर टाइप के। अगर यारों मैं आपसे कहूँ कि हमको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराना है, तब आप क्या करोगे? तब आप इंटीजर टाइप के 10 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे प्रोग्राम के अंदर। और अगर मैं आपसे कहूं कि यारो हमको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराना है, तो ज़रा बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? क्या 100 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे आप? दोस्तों, अगर आप 100 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने लगे तो हो सकता है इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते करते आपका इस दुनियादारी से ही विश्वास उठ जाए। आप सोचें ये क्या बेवकूफाना हरकत है, कितनी मशक्कत है। छोड़ रहा हूँ मैं तो ये प्रोग्रामिंग, छोड़ रहा हूँ ये पढ़ाई लिखाई, इससे अच्छा तो ये है कि मैं कहीं हिमालय की चोटी पर जाकर बैठ जाऊँ और वहाँ जाकर सन्यासी ही हो जाऊँ। आप कहेंगे कि सर बस 3 वेरिएबल्स तक, 10 वेरिएबल्स तक भी ठीक था, पर 100 वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करेंगे? सर, इतना तो सहा नहीं जाता, ये चीज़ तो बर्दाश्त के बाहर है। तो मेरे यारों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दर्द से उबारने के लिए फरिश्ता बनकर हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहते हैं एरे। अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो अब हमको अलग अलग 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको किसी प्रोग्राम के अंदर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको अलग अलग 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है मेरे यारों। अब सिर्फ हम एक बार एक एरे को डिक्लेयर कर दिया करेंगे और उसमें एक साइज हम दे दिया करेंगे, तो ये अरे अपने आप ही हमें सहूलियत दे देगा, हमें ताकत दे देगा कि हम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स भी स्टोर कर पाएं। अब आओ मेरे यारों, हम समझते हैं कि किसी एरे को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे किसी प्रोग्राम के अंदर हम एरे को यूज़ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। सिंटेक्स बोले तो वो छोटी छोटी पर मोटी बातें जिनके जरिए हम किसी प्रोग्राम में एरे को डिक्लेयर कर पाते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप यहाँ पर ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यूज को आप एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। एरे के बारे में इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एरे के अंदर हमेशा सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स ही स्टोर हो सकते हैं। अगर आपने एरे का टाइप इंटीजर रखा है तो फिर उस एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही आप स्टोर कर सकेंगे। अगर एरे का टाइप कैरेक्टर है तो उस एरे में सारे के सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर टाइप के ही होंगे। एरे कभी भी अलग अलग टाइप की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकता। मतलब आप ऐसा एरे कभी नहीं बना सकते कि जिसके अंदर एक वैल्यू तो आपने इंटीजर स्टोर करवा दी, एक वैल्यू आपने कैरेक्टर स्टोर करवा दी, एक वैल्यू आपने फ्लोट स्टोर करवा दी। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की वैल्यूज
को एरे कलेक्ट करके नहीं रख सकता, एरे हमेशा सिमिलर टाइप की वैल्यूज को ही अपने अंदर कलेक्ट करके रख सकता है। इसलिए जब भी हम एरे को डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले डेटा टाइप को मेंशन करेंगे कि किस टाइप की वैल्यूज हम एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेटा टाइप लिख देंगे जो कि ये बता देगा कि किस टाइप की वैल्यूज हम एरे के अंदर स्टोर करने वाले हैं। फिर एक स्पेस देंगे दोस्तों, और स्पेस के बाद हम लिखेंगे अरे का नाम। तो जो अरे का नाम है वो हमारा जो दिल चाहे वो नाम हम यहाँ पर अरे का रख सकते हैं, पर कुछ हदों में रहकर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम यहाँ पर अरे का नाम रख सकते हैं। तो क्या होते हैं वो रूल, तो मेरे साथियों जरा याद करिए, हमने शुरुआत के लेक्चर्स में रूल्स टू डिफाइन द नेम ऑफ अ वेरिएबल पढ़े थे, वही सारे के सारे रूल्स यहाँ एरे के नाम को रखते वक्त भी लागू होंगे। नीचे आप एक लाइन पढ़ सकते हैं जिसके अंदर हमने वो लेक्चर नंबर मेंशन किया हुआ है जिसमें हमने रूल्स टू डिफाइन द नेम ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ा था, तो वही सारे के सारे रूल्स अरे के नाम को रखते समय भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम एरे का नाम रख देंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हम बनाएंगे और उसके अंदर हम साइज मेंशन करेंगे। साइज यानी कि कितने डेटा एलिमेंट्स हम इस एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो हम इस साइज के जरिए यहाँ पर जाहिर कर देंगे। ये साइज एक कांस्टेंट वैल्यू होगी यारो यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम लगा देंगे सेमी कॉलन। तो इस तरह से ये इस एरे का सिंटेक्स है। अब आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको एक एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर हम 5 इंटीजर्स स्टोर करना चाहते हैं, 5 इंटीजर टाइप के वैल्यूज को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो जब हम एरे को डिक्लेयर करेंगे तो सबसे आगे लिखेंगे इंट। तो ये तो हो गया डेटा टाइप। फिर इसके बाद हम स्पेस देंगे एक, और स्पेस के बाद हम लिखेंगे एरे का नाम। तो मान लेते हैं हमारे एरे का नाम हमने लिखा कैपिटल ए। फिर इसके बाद अब जरा बताएं दोस्तों आप कितने इंटीजर्स इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 इंटीजर्स हम इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे 5 जो कि हो जाएगी एरे की साइज, और फिर लगा देंगे हम सेमी कॉलन। तो ऐसा करने से हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका टाइप है इंटीजर और जिसकी साइज है 5। मतलब ये एरे काबिल है अपने अंदर 5 अलग-अलग इंटीजर्स को स्टोर करने के। मतलब जो काम करने के लिए हमको 5 अलग-अलग इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करना पड़ते थे, अब हमने सिर्फ वो काम एक डिक्लेरेशन में ही कर डाला। हमने एक एरे डिक्लेयर किया, उसकी साइज 5 दे दी और हमारा काम अब हो गया। अब यारो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, तो ज़रा बताएं दोस्तों यहाँ इस एरे के अंदर कितने इंटीजर्स स्टोर किए जा सकते हैं। 5 इंटीजर। अगर मैं बात करूँ 16 बिट के कंपाइलर की, तो 16 बिट के कंपाइलर में इंटीजर की साइज कितने बाइट्स होती है यारो, 2 बाइट, और 32 बिट के कंपाइलर में होती है 4 बाइट। अभी हम 16 बिट का कंपाइलर कंसिडर करके चलते हैं। तो 16 बिट के कंपाइलर में एक इंटीजर की साइज होती है 2 बाइट। तो यहाँ पर इस एरे के अंदर हम 5 इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, तो जरा बताओ मेरे यारों हमको कितने बाइट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। 5 इंटीजर, तो एक इंटीजर की साइज है 2 बाइट, तो 5 इंटीजर की साइज हो जाएगी दोस्तों 10 बाइट, यानी कि 10 बाइट मेमोरी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में एक 10 बाइट का कंटीगस ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा।
साथियों, इस तरह से एक 10 बाइट का ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और इस अरे ए के नाम पर अलोकेट कर दिया जाएगा। मतलब अब इस 10 बाइट के पूरे ब्लॉक का एक नाम होगा और वो नाम है दोस्तों ये ए। अब जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, मेमोरी में हर एक बाइट का एक अपना एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि उस बाइट की पहचान होती है। तो यहाँ क्योंकि दोस्तों इस अरे को मेमोरी में 10 बाइट मिले हैं, इसका मतलब ये कितने एड्रेसेस अक्यूपाई करेगा? 10 एड्रेसेस। हम मान लेते हैं कि सबसे पहला एड्रेस है 1000। ये जो एड्रेसेस हैं ये तो कंप्यूटर खुद अपनी मर्जी से ही अलोकेट करता है दोस्तों, पर हमने यहाँ हमारी सहूलियत के लिए ऐसा मान लिया कि चलो एड्रेस जो इस एरे को मिले हैं वो मिले हैं 1000, वरना ये एड्रेसेस तो पूरी तरह से कंप्यूटर के अख्तियार में ही होता है, वही डिसाइड करता है कि कौन से एड्रेसेस किसको अलोकेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस एरे का सबसे पहला एड्रेस है 1000, तो सबसे पहले बाइट का एड्रेस हो गया दोस्तों 1000, फिर उसके अगले बाइट का एड्रेस हो गया 1001, फिर उसके अगले बाइट का एड्रेस हो गया 1002। इस तरह से ये जो 10 बाइट्स हैं तो 10ों के 10ों बाइट को यहाँ पर एड्रेस मिल गया। ये एक बाइट, फिर ये एक अगला बाइट, ये अगला बाइट, ये अगला बाइट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बाइट है दोस्तों। तो 1000 से लेकर 1090 एड्रेस तक के जो बाइट्स हैं वो इस अरे ए के नाम पर रिजर्व हो चुके हैं दोस्तों, इस अरे ए के नाम कर दिए गए हैं। 1010 से अगला बाइट स्टार्ट हो रहा है जो कि अरे ए के हक का बाइट नहीं है। इस अरे ए के हक में जो बाइट्स हैं वो बाइट्स हैं 1000 से लेकर 1009 एड्रेस तक वाले बाइट्स। तो साथियों, आप अगर गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि इस एरे को ये जो एड्रेसेस अलोकेट हुए हैं ये सारे के सारे एड्रेसेस कंटिगस हैं। कंटिगस बोले तो बिल्कुल एक के पीछे एक, 1000 के बाद अगला एड्रेस सीधा 1001 है, 1001 के बाद सीधा अगला एड्रेस 1002 है, 1003 है, 1004 है। कहीं भी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि पहला एड्रेस तो 1000 था, दूसरा एड्रेस 1001 था और तीसरा एड्रेस 1020 है, चौथा एड्रेस 1030 है, पांचवा एड्रेस 1033 है, ऐसा नहीं होगा। ये सारे के सारे एड्रेस बिल्कुल एक के पीछे एक सीक्वेंस में होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एरे की एक और प्रॉपर्टी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा और जो कि एरे की बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेमोरी एलोकेटेड टू एन एरे इज ऑलवेज कंटिगस। तो साथियों, ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, मेमोरी एलोकेटेड टू एन एरे इज ऑलवेज कंटिगस। अब दोस्तों जरा एक बात बताएं, ये जो 10 बाइट इस एरे ए के नाम पर एलोकेट किए गए हैं तो जरा बताएं इसके अंदर कितने इंटीजर्स हम स्टोर करना चाहते हैं? 5 इंटीजर। तो साथियों, ये जो 10 बाइट हैं ये 5 बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएंगे और हर एक हिस्से को कहते हैं सेल। तो जरा बताएं दोस्तों, जब ये 10 बाइट 5 बराबर हिस्सों में बटेंगे तो कितने कितने बाइट के हिस्से बनेंगे? दो दो बाइट के, और हर एक हिस्से को कहा जाता है एरे का सेल। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो अरे ए है ये 5 बराबर हिस्सों में टूट गया, ये हर एक हिस्सा 2 बाइट का हिस्सा है दोस्तों, और इसको कहते हैं सेल। तो आप देख सकते हैं ये जो अरे है 10 बाइट का ये 5 सेल में बट गया है। अब हर एक सेल का यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर होता है दोस्तों, तो जो सबसे पहला वाला सेल है इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, जो अगला सेल है उसका इंडेक्स नंबर होगा 1, इसका होगा 2, 3, 4। तो आप देख सकते हैं साथियों, इस अरे के अंदर 5 सेल हैं और हर एक सेल का यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर भी है। इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो अगर यहाँ पर 5 सेल हैं तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे दोस्तों? 0 से लेकर 4 तक। अगर होते हैं इसके अंदर
50 सेल, मान लीजिए अगर एरे की साइज होती 50 तो इंडेक्स नंबर होते हैं 0 से लेकर 49 तक। अगर साइज होती इस एरे की 100 तो इंडेक्स नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 99 तक। तो साथियों यहाँ पर ये जो एरे का हर एक सेल है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हम ट्रीट किया करते थे। हर एक सेल एक वेरिएबल की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है, वो भी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। ऐसा क्यों? क्योंकि एरे का टाइप हमने क्या लिया था, इंटीजर। तो एक तरह से यहाँ पर ये हमारे पास 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का एक कलेक्शन है। अब मेरे यारों एरे से जुड़े हुए इन एड्रेसेस के बारे में थोड़ा और जान लेना हमारे लिए मुनासिब होगा। अगर आप देखें दोस्तों तो इस अरे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला एड्रेस है वो ये है 1000। तो ये जो एड्रेस होता है जो कि इस एरे का सबसे शुरुआत वाला एड्रेस है, सबसे पहला एड्रेस है, इस एड्रेस को कहते हैं एरे का बेस एड्रेस। तो साथियों ये तो हुई एरे के बेस एड्रेस की बात, पर आप देख सकते हैं इस एरे के अंदर अलग अलग 5 सेल है, तो इन 5ों सेल का अपना खुद का भी एक एड्रेस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1000 की तो ये तो हो गया इस एरे का बेस एड्रेस, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं इस पूरे एरे का एड्रेस है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस एरे के सेल नंबर 0 की। अगर आप देखें दोस्तों तो ये जो सेल नंबर 0 है इसने मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं, कितने बाइट्स पर इसने अपना कब्जा जमाया है दोस्तों, तो 2 बाइट्स पर। एक बाइट जिसका एड्रेस है 1000 और एक बाइट जिसका एड्रेस है 1001। ये जो दोनों बाइट्स हैं इस पर किसका हक है, इस अरे के सेल नंबर 0 का। तो इस अरे के सेल नंबर 0 का एड्रेस क्या होगा? कहने को तो इसने मेमोरी के ये दोनों एड्रेस ऑक्यूपाई किए, एड्रेस 1000 भी ऑक्यूपाई किया और एड्रेस 1001 भी ऑक्यूपाई किया, पर अरे के सेल नंबर 0 का जो एड्रेस कहलाने का हकदार होगा तो वो होगा दोस्तों ये 1000। उसी तरह साथियों अगर हम इस अरे के सेल नंबर 1 की बात करें तो आप ये पाएंगे कि इस सेल नंबर 1 ने भी मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं, और जो 2 बाइट्स इस सेल नंबर 1 ने ऑक्यूपाई किए हैं उनके एड्रेसेस हैं 1002 एंड 1003। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस अरे ए के सेल नंबर 1 ने एड्रेस 1002 और एड्रेस 1003 वाले बाइट्स पर अपना हक जमाया है, अपना कब्जा जमाया है। तो इस अरे के सेल नंबर 1 का एड्रेस क्या होगा, 1002 होगा या 1003 होगा? तो जो दोस्तों पहले वाला एड्रेस है वही इस अरे के सेल नंबर 1 का एड्रेस होगा। उसी तरह से अगर हम इस अरे के सेल नंबर 2 की बात करें तो इस सेल नंबर 2 ने भी मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं साथियों, जिनके एड्रेसेस हैं 1004 एंड 1005। तो अरे के इस सेल नंबर 2 का जो एड्रेस होगा वो होगा 1004। उसी तरह से सेल नंबर 3 का एड्रेस होगा साथियों 1006, और सेल नंबर 4 का एड्रेस भी आप लोग समझ ही गए होंगे 1008। इस सेल नंबर 4 ने 2 एड्रेसेस ऑक्यूपाई किए हैं, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हैं, जिनके एड्रेसेस हैं 1008 एंड 1009। 1010 जो है दोस्तों ये आगे के एड्रेस है जिस पर इस अरे ए का कब्जा नहीं है। एड्रेस लोकेशन 1010 के आगे के जितने भी एड्रेस हैं 1010, 1011, 1012 एंड सो ऑन, वो सारे जो एड्रेसेस हैं वो अरे ए के हक में नहीं आते, अरे ए का उन पर कोई भी इख्तियार नहीं है साथियों। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ चंद सवालात मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे उनके जवाब दीजिएगा। ज़रा बताएं इस अरे ए का बेस एड्रेस क्या है, तो उसका जवाब होगा आपका 1000, जो कि सबसे पहला एड्रेस है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ इस अरे के सेल नंबर 0 का एड्रेस क्या है, तो आपका जवाब होगा 1000। यानी कि यहां पर बेस एड्रेस जो है अरे का
वही सेम एड्रेस है एरे के सेल नंबर 0 का। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है अरे का जो सेल नंबर 0 होगा उसका जो एड्रेस होता है वही वैल्यू इस एरे के बेस एड्रेस की भी हो जाती है, क्योंकि जो सबसे पहला एड्रेस है वही तो अरे के सेल नंबर 0 का भी एड्रेस होगा, और सबसे पहले एड्रेस को ही हम कहते हैं एरे का बेस एड्रेस। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ अरे के सेल नंबर 1 का एड्रेस क्या होगा, तो आपका जवाब होगा साथियों 1002। अगर मैं पूछूं जरा बताओ सेल नंबर 2 का एड्रेस क्या होगा, आपका जवाब होगा 1004। अगर मैं पूछूं सेल नंबर 3 का एड्रेस क्या होगा, आपका जवाब होगा 1006, और सेल नंबर 4 के एड्रेस का जवाब होगा 1008। तो ठीक है मेरे साथियों, इस लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि कोई एरे होता क्या है और किसी एरे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि किसी प्रोग्राम के अंदर किसी एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से किसी एरे को मेमोरी अलोकेट होती है। तो आज के लेक्चर में तो दोस्तों हमने सीखा कि एरे को हम डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। किसी एरे को इनिशियलाइज करने का मतलब एरे के हर एक सेल के अंदर हम किस तरह से वैल्यूज को भरेंगे, ये चीज़ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।